नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनआई आवाज और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। चलिए एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। विदिशा रंगई क्षेत्र के भोर घाट पर प्रशासन द्वारा अस्थायी रूप से मुक्ति धाम बनाया गया था, जहां कोरोना मरीजों और अन्य मृतकों के पार्थिव शरीर दाह संस्कार के लिए लाए जा रहे थे। यहां रहने वाले लोगों ने इस पूरे मामले का विरोध करते हुए चक्का जाम कर दिया। मौके पर प्रशासन पहुंचकर लोगों को समझाइश दी। स्थानीय राहवासियों का कहना है कि हमारे गांव में छोटी सी बस्ती के हिसाब से शमशान घाट था, लेकिन प्रशासन पिछले 2-3 दिनों से लगातार यहां कोरोना से मरने वाले लोगों को जला रहा है। इस कार्य को करने वाले घरों के सामने पीपी किट फेंके जाते हैं, जिससे हम लोग भयभीत हैं। इसके अलावा शमशान पर अंतिम संस्कार के बाद बदबू और धुएं के कारण भी लोग परेशान हैं। महिलाएं और बच्चे डरे हुए हैं, बच्चे और बुजुर्ग बीमार हो रहे हैं। मौके पर पहुंचे प्रशासन की समझाइश के बाद लोगों ने अपना चक्का जाम बंद किया। मैं सुनील राठौर बोल रहा हूँ। बहुत समस्या आ रही है साहब, आदमी जला रहा है, मुझे बदबू आ रही है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, लेडीज आके सब घर रोती हैं, हमारे घरों के आगे आके रो रही हैं, जे वगैरह बहुत परेशानी पड़ रही साहब पूरी पब्लिक को। क्या चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं? यही कह रहे साहब, जिन्हें हटाया जाए जहाँ से। दिन भर में कितनी शब जल जाते हैं? 9-10 आती हैं साहब। कौन सा इलाका है ये? भोर घाट है साहब। क्या नाम है आपका? मथुरा भाई प्रजापति। कहाँ रहती हो? मोरघाट। क्या परेशानी आ रही है? ये मुर्दे जल रहे हैं तो हमारे बच्चे बहुत दिक्कत आ रही है, धुआं धुआं घर में बसाता है, बच्चों में डर लगता है, और ये बताओ खाना नहीं खा पा रहे, बर्बाद के मारे। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं जहाँ कुछ भी ना हो ऐसा। दिन भर में यहाँ कितनी बोर्ड जल जाते हैं? कम से कम 10-12 जली कल। तो क्या धुआं उनका उड़ के घर में भराता है? घरों में भरा रहा, बदबू इतनी तेज आ रही है, मुराइन दिवास आ रही है, बच्चे भूखे प्यासे सो रहे हैं, जब आता सब दिन काम करते हैं, सब रात को भूखे सोते हैं। मेरा नाम सीताराम ठाकुर, ये अपना भोरघाट है। यहाँ पे हम लोगों के हिसाब से मतलब जैसे 10 परिवार है, उस हिसाब से छोटा सा शमशान बना हुआ था। यहाँ पे कल या परसों से कुछ ज़्यादा ही डेड बॉडी आ रही है कोरोना वाली। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी हैं और गरीब परिवार हैं यहाँ पे, तो ना तो हम घर में जा पा रहे हैं, ना सो पा रहे हैं, ना खाना वगैरह खा पा रहे हैं, ना हमारे घर से बच्चे बाहर निकल पा रहे हैं। और ऐसे में यदि कुछ उल्टा और होता है तो हम लोग भी बीमार होने वाले हैं फिर तो 1-2 दिन में। और यहाँ पे जो कचरा जो भी कर रहे हैं, पीपी किट वगैरह जो सब सारी है ना, हमारे घरों के सामने ही फेंक रहे हैं। लेडीज में बच्चे हैं ना, रात में शाम को 6 बजे बाद तो घर से बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं। इसकी समस्या हम ये चाहते हैं, जो मर गए हैं वो भी कहीं चले, लेकिन उनके लिए यहाँ से हटाया जाए। क्या नाम है? रजनी। क्या परेशानी आ रही है यहाँ? यहाँ पे इंसान जल रहे हैं, क्या कहते, बदबू आ रही, बिल्कुल सामने ही हमारे घर के सामने ही आएंगे, सांस लेने में परेशानी हो रही है, और बहुत घर में तक बदबू आ रही है। घर में खाना नहीं खा, खाना वाना कुछ नहीं खा पा रहा है, घर में परेशान बहुत हो रहा है हम लोग धुआं के वजह से। किन लोगों को सब जलाया जा रहा है यहाँ? ये कोरोना वाले ने ये सब जने ही जल रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल, और साइड में भी नहीं है, बिल्कुल पास में मर घटेंगे। कितनी ब॔डी जल जाती है? 8-9 जो बॉडी जली थी कल, और परसों चली थी 6-7 जो। आप क्या डिमांड करते हैं? आप क्या मांग? हम ये कह रहे हैं इसको साइड कर लें, कहीं मर घटे दूर कर लें, मतलब हम लोगों ने धुआं नहीं आना चाहिए, और बीमार हो रहे हैं हम लोग इस चक्कर में। कौन सा इलाका है ये? भोरघाट है। विदिशा के शमशाबाद थाने में पदस्थ आरक्षक इरफान खान कुछ दिन पूर्व भोपाल में एडमिट थे, जिनकी कोरोना संक्रमण से विदिशा अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज में देर रात कोविड संक्रमण के चलते आज उनका देहांत हो गया। एडिशनल एसपी संजय साहू द्वारा उनकी फोटो पर फूल माला पहनाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई एवं शहीद का दर्जा दिया गया, और सभी पुलिसकर्मियों को हिदायत भी दी गई कि जिसमें उन्होंने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए पुलिस बल को प्रेरित भी किया। जी, मेरा नाम मोहम्मद अनवर है और मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों यहाँ विदिशा में हैं। एक बड़ा वाला लड़का है जो शमशाबाद थाने में, और छोटा यहाँ पुलिस लाइन में है। तो अभी 2-3 दिन पहले इसकी तबीयत ख़राब हुई, इसको भोपाल जाके वहाँ भर्ती कराया अस्पताल में, तो वहाँ से कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो वो यहाँ से अपने विदिशा आ गए। विदिशा में अस्पताल में भर्ती थी मेडिकल में, यहाँ कल रात में उनका कोरोना से इंतकाल हो गया है। और मैं ये सभी से निवेदन करता हूँ, पुलिस कर्मचारी हैं और आम जनता है, सब नियमों का पालन करें और कोरोना से बचाव रखें अपना। मेरे साथ जो दुर्घटना घटना हुई है, ऐसे किसी के साथ ना हो, ईश्वर सबको अच्छा रखें।
आज बड़ा ही ओडिशा पुलिस के लिए दुखद दिन है। और हमारे आरक्षक थे इरफान खान, इनके छोटे भाई फारूक हमारे एसपी साहब के स्टिकमैन भी हैं और ये शमशाबाद थाने में पदस्थ थे। परसों ये भोपाल में एडमिट हुए थे और उनको भोपाल में हॉस्पिटल में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, तो वहाँ से एम्बुलेंस के थ्रू इनको बुलवाया गया था और मेडिकल कॉलेज विदिशा में परसों एडमिट किया गया था। उस समय तक लंग्स में संक्रमण था परंतु स्थिति ठीक थी, बातचीत हो रही थी लगातार, और परसों रात से मेडिकल कॉलेज में एडमिट किया। कल रात्रि में लगभग 10:30 बजे के पास समाचार आया कि इनका इंतकाल हो गया है और ये विदिशा पुलिस के लिए बहुत ही बुरी खबर है। और इरफान बहुत ही अच्छे पुलिस ऑफिसर थे जो शमशाबाद थाने में विगत 1 साल से पदस्थ थे। इनके भाई छोटे जो हैं वो भी बहुत अच्छे पुलिस अधिकारी हैं और वाकई में हमारे लिए विदिशा पुलिस के लिए बहुत बड़ी क्षति हुई है। और मेरा सभी से निवेदन है कि कोरोना को हल्के में ना लें, इसको गंभीरता से लें। अभी इसका संक्रमण बहुत बुरी तरीके से फैल रहा है, कृपया घर के अंदर रहें। और जो पुलिस वाले ड्यूटी कर रहे हैं उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है कि वो लोग भी फेस शील्ड वगैरह लगाएं और सारी सावधानियां बरतें, क्योंकि ये बड़ा ख़तरनाक समय चल रहा है और ईश्वर करे कि बड़ी जल्दी ये समय व्यतीत हो और अच्छा समय आए। सर, जो फोटो कौन पर दिए गए, कहाँ पर जी ये पुलिस यहाँ पर आई है? ये अभी यहाँ पर पुलिस में जो भी व्यक्ति ड्यूटी करते हुए जिसका एक्सपायर होता है उसको शहीद का स्टेटस दिया जाता है और गार्ड ऑफ ऑनर जो है हमारे यहाँ दिया जाता है, तो वही गार्ड ऑफ ऑनर सम्मान के रूप में आज दिया गया है। और मैं हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि वो जहाँ भी रहें हमेशा अच्छे रहें और भगवान उनको जन्नत नसीब करे। इन दिनों प्रदेश में कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन लगा हुआ है, सभी प्रकार के प्रतिष्ठान एवं दुकानें बंद है। इसी बीच कलेक्टर संजय कुमार के निर्देशन में आबकारी अधिकारी निधि जैन के नेतृत्व में दतिया सहायक जिला आबकारी KL भगोरा, आबकारी वृत्त प्रभारी दतिया अनिरुद्ध खानविलकर की मुखबिर की सूचना पर ग्राम बरगांव कंजर डेरा पर अवैध शराब को लेकर की गई बड़ी कार्रवाई। कार्रवाई के दौरान 78 बल्क लीटर हाथ भट्टी शराब, 20,000 किलोग्राम लहान नष्ट कर दिया, साथ ही 34(1) के तहत 4 मामले भी पंजीकृत किए गए। कार्रवाई में शराब की कीमत 10,11,700 रुपए आंकी गई है। संपूर्ण कार्रवाई आबकारी निरीक्षक तुकाराम वर्मा, दत्यावृत प्रभारी अनिरुद्ध खानवलकर, मुख्य आरक्षक शारदा प्रसाद तिवारी, अशोक शर्मा, संजय शर्मा की रही। दतिया से लोकेश मिश्रा की खास रिपोर्ट। आज कलेक्टर महोदय के निर्देशन में एवं सुश्री निधि जैन डीओ मैम के मार्गदर्शन में ग्राम बरगाय में आबकारी विभाग द्वारा दबिश दी गई, जिसमें भारी मात्रा में गोड़ लहान, हाथभट्टे शराब एवं शराब बनाने के उपकरण बरामद किए। लगभग 20,000 किलोग्राम गुड़ लहान, 78 वर्ग लीटर हाथभट्टे शराब एवं शराब बनाने के उपकरण बरामद कर 4 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन समस्त उपकरण और गुड़ लहान और शराब की कीमत 10,00,000 आकी गई है। इस प्रकार की कार्रवाई सतत जारी रहेगी। विदिशा कुरवाई नगर परिषद के सभागार कक्ष में क्षेत्रीय सांसद राज बहादुर सिंह ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप एवं क्षेत्र की समस्याओं को लेकर समीक्षा बैठक की, जिसमें सभी विभागों के प्रमुख अधिकारी, गणमान्य नागरिक एवं पत्रकार बंधु उपस्थित थे। सांसद ने बैठक में उपस्थित अधिकारियों से कोविड सेंटर, कोरोना संक्रमित मरीज, वैक्सीनेशन के संबंध में जानकारी प्राप्त की। इसके बाद समस्त अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि इस समय देश एक बड़ी समस्या से जूझ रहा है, आप सभी लोगों को मानवता दिखाते हुए काम करना है और आगे और विकट स्थिति आ सकती है जिसके लिए हमें तैयार रहना है। हमेशा अपने फोन चालू रखें, साथ ही क्षेत्र के गणमान्य नागरिक, पत्रकार बंधु, जन प्रतिनिधियों से समंजस बनाकर कार्य करें। साथ ही अधिकारियों को निर्देशित किया, अगर व्यक्ति लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं तो सख्ती से लॉकडाउन का पालन कराया जाए। समीक्षा बैठक से पहले सांसद द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं बैठक के बाद तहसील स्तर पर बनाए गए कोविड सेंटर का निरीक्षण किया। जब मीडिया ने सांसद से ऑक्सीजन के संबंध में सवाल किया तो सांसद ने कहा, मैं झूठ नहीं बोलता, यह मेरे या विधायक जी के लेवल की बात नहीं है, प्रधानमंत्री जी एवं मुख्यमंत्री जी द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, ऑक्सीजन की समस्या से जल्द ही निजात मिले, इसके लिए निरंतर प्रयास भी किए जा रहे हैं। साथ ही सांसद ने बताया कि बिना रिफाइनरी के
पास 1000 बेड का अस्थायी कोविड अस्पताल बनाया जा रहा है, जिससे सागर एवं विदिशा जिले के मरीजों को लाभ मिलेगा। सांसद ने बताया कि इस कोविड सेंटर में 10 टन ऑक्सीजन का खर्च आएगा, लेकिन रिफाइनरी में लगभग 80 से 19 टन ऑक्सीजन का उत्पादन होता है, इसलिए वहां से 70 से 80 टन ऑक्सीजन निर्यात कर दूसरे क्षेत्रों को राहत पहुंचाई जाएगी। फिलहाल TNI एक्सप्रेस में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ।